आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव को देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो बांदा द्वारा हमीरपुर शहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों को आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर रोचक व ज्ञानवर्धक तरीके से जागरूक किया गया। साथ ही भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में विद्यार्थियों व शिक्षकों संग परिचर्चा भी की गई। इस अवसर पर विभाग द्वारा एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कर सही जवाब देने वाली 25 बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही देश की आजादी के महत्व को बच्चों को जादू के करतबों के माध्यम से भी बताया गया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी गौरव त्रिपाठी ने कहा कि आजादी की प्रथम लड़ाई जो 1857 में लड़ी गई उसमें बुंदेलखंड का एक विशेष महत्व है। बुंदेलखंड की इस धरती पर महान क्रांतिकारियों ने दृढ़ता से अंग्रेजों का मुकाबला किया जो आगे चलकर आजाद भारत के निर्माण में सहायक हुए। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभय सागर ने कहा कि स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है। हमारे देश के महान क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे हमें स्वतंत्र देश में जीने का अधिकार दिलाया। उन्होंने मतलब अमृत महोत्सव के बारे में उनको जानकारी दी और जितने भी उन्होंने क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के पूछे हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने टिफिन बंटवाए बच्चों में, वितरण करवाए, जो एक बहुत ही सराहनीय काम था उनका। बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने विद्यालय में, बच्चों को बहुत खुशी हुई, उनकी उत्सुकता जागरूक हुई, तो इसलिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि आगे बच्चे और इसमें भाग लेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चल रही देश भर में श्रृंखला के अंतर्गत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो बांदा द्वारा आज जनपद हमीरपुर में एक मिनी ICOP का कार्यक्रम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम और विभाग का मकसद था कि बालिकाओं के मध्य आजाद भारत के उन महान क्रांतिकारियों के बारे में जानना था जिनके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है। कार्यक्रम के दौरान एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बालिकाओं से मुख्यतः आज़ादी से जुड़े हुए संबंधित सवाल पूछे गए। सही जवाब देने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाया गया। छात्र, मेरा नाम अनुभवी गौतम है और मैं एक ही छात्र हूँ। यहाँ पे जो आज़ादी महोत्सव का कार्यक्रम हुआ, जो सर लोगों ने यह कार्यक्रम करवाया, यहाँ सारे बच्चों से जीके के छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे, जिन बच्चों को आते हैं वो जवाब दिए और उनको खुश करने के लिए कुछ सामूहिक पुरस्कार भी मिले सारे बच्चों को।